सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा है वो, सटक रही है दुल्हन की खोपड़ी देखो। शादी के बाद अलबेला बबलू मना रहा है सुहागरात, लेकिन क्या है उसकी पत्नी के जज्बात, आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ शीतल, आज मेरी शादी हुई है, लेकिन इस शादी से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर वालों ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। शादी मेरी मर्जी के बिना हुई है तो क्या हुआ, लेकिन शादी की एक्साइटमेंट तो रहती है ना, मतलब यू नो लाइक दूल्हा कैसा होगा, मतलब जब वो मेरा घूंघट उठाएगा, मेरी आंखों में दिखेगा, तो मैं झूठ मूठ का शर्माऊं और उससे बोलूंगी, ऐसे मत देखो मुकेश की तरह। गुल्लू बातों से बेचान दिया होगा, इतना क्यों खुश हो आज, शादी हुई है मेरी। शादी से तो मैं खुश हूँ, लेकिन शादी के अरेंजमेंट देख के मैं बड़ा दुखी हूँ। लड़की वाले इतने कमीने निकले ना, पता लड़की के बाप ने क्या किया मेरे साथ, घूंटी से उतरते ही 10,000 रुपए मेरे हाथ में दे दिए, कहते हैं पैसे आते रहेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। ऊपर से खाना इतना यक, I have never seen in the on my planet earth, इतना गंदा खाना, दोनों तरीके के रायता रखे हुए हैं। पहले तो मैं खुश हो गया, दोनों तरीके का रायता, फिर पता चला रायता एक ही था, दूसरा जो था ना पिछले हफ्ते की पिघली हुई आइसक्रीम में दूध डाल के दे रहे साले, और जो गुलाब जल दिया उन लोगों ने, ओ माय गॉड, स्मेल गुलाब जल नहीं जुलाब जल लग रहा था वो। क्या बकवास कर रहा है, मेरी बाप ने कितनी अच्छी शादी करवाई है, क्या शादी करवाई है, शादी में पनीर की सब्जी देखी तूने, इतने इतने बड़े टुकड़े पनीर के, सकत सकत चार पनीर जोड़ के मैंने गद्दी बनाई मड्डा पे, उसी में बैठा हुआ था रे गड़ी आई तू, तेरे को अक्ल नहीं है, शादी वाले दिन अपने पति से ऐसे बात कर रही है तू, पति या फर्स्ट टाइम अर्थ इन द प्लेनेट इन द हैंडसम, तुमसे मेरी शादी हुई है या तुम और ऋतिक, या मैं ऋतिक हूँ, और वो जो मंडप में मेरे साथ बैठा था वो कौन था, वो तो बब्बन मेरी बुआ का लड़का, अरे बाबा शादी में काम लड़के थे वो देखने गया था, बब्बन को बिठा दी मैंने, अरे बेवकूफ, अपनी शादी में कोई किसी और को बिठा के जाता है क्या, तो उसमें क्या है बाबा, अगर मैं नहीं जाता तो हलवाइयों को कौन देखता, और हलवाई इतने कमीने होते हैं साले, अगर सर पे ना खड़े होते घपला कर जाते हैं, पिछली बार में ताऊ की शादी थी, 2 किलो बादाम और 1.5 किलो छुआरे कब गायब हुए पता ही नहीं चला, तेरे को पता है हमारे में चलता है बाबा, जब मेरे चाचा की शादी थी ना तो इमीडिएटली बाद मेरे चाचा को काम पड़ गया, तो मेरी चाची को हनीमून पे सिंगापुर मेरे पापा लेके गए, क्या या नहीं जा तो चाचा भी सकता था, लेकिन पासपोर्ट नहीं था ना, अब जिसका पासपोर्ट होगा वही तो जाएगा ना, अरे तेरा चाचा कितना बेवकूफ है, अगर उसके पास पासपोर्ट नहीं था तो इंडिया में जाता ना हनीमून के लिए, अरे चाची बड़ी जिद्दी थी, कहती हनीमून होएगा तो सिंगापुर में ही, वरना मौन व्रत रख लूंगी, नहीं मानी वो मौन व्रत, खैर अगर जाना ही था तो तेरे बाप के साथ क्यों गई, बाप चाची से ज्यादा जिद्दी था मेरा, कहता घर का बड़ा मैं ही हूँ, मैं ही डिजर्व करता हूँ हनीमून पे जाना, हे भगवान कैसे पागल खानदान में मेरी शादी हो गई, ए पागल किसको बोली तू खानदान को, तेरे को पता है हमारा खानदान कितना फेमस है, हमारे खानदान के चर्चे दूर दूर तक है, पिछली बार न्यूज सुनी तूने, एक 70 साल की बुढ़िया 30 साल के लौंडे के साथ भागी, सुनी ना, दैट्स व्हाई माय ग्रैंड मदर द लेटेस्ट ग्रैंड मदर, भगवान कितनी बेशरम है तेरी दादी, उसे शर्म नहीं आई 30 साल की लड़की के साथ भाग गई, शर्म वाली कौन सी बात है, प्राउड होना चाहिए उल्टा, लड़का भी अच्छा भागा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन विरह मेरी दादी निकली, और यू नो मेरी दादी 1 घंटे में 15 किलोमीटर भागती है, 1 घंटे में 15 किलोमीटर तो कोई भी भाग सकता है, कोई नहीं भाग सकता, टांग नहीं उसकी, हाथों से करके ऐसे से करके भागती है, तुम्हारी दादी के टांगे क्यों नहीं है, वो बड़ी गुड न्यूज है, सैड न्यूज है, बॉक्सिंग खेलती थी ना उस चक्कर में उसकी टांगे चली गई, क्या बकवास करता है, बॉक्सिंग का टांगों से क्या लेना देना, ए क्यों लेना देना, अब बिना वजह किसी को मुक्का मारेगी वो तो टांगे तोड़े गई, सुन मिला सुन, हाउ डे यू द पुट यू द घूंघट आउटसाइड, तेरी किससे पूछे घूंघट उठाए तूने, मुंह धोया किसको दूंगा मैं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी घूंघट उठाई, अच्छी बात है मेरे 21 रुपए बजे, मेरा क्या मैं तो इन्वेस्ट करूंगा कहीं और, इतने सुंदर चेहरे को तो 21 रुपए देता है, अबे बेवकूफ लोग अपनी दुल्हन को 2100 देते हैं, 5100 देते हैं, देते हैं लोग, मेरे पास 2100 5100 होते तेरे से शादी करता मैं, शुक्र कर मैं तुझे 21 रुपए दे रहा हूँ, पिछली बार को तो मैंने 1 रुपए नहीं दिया था, पिछली मतलब ये तुम्हारी दूसरी शादी है, क्या बात कर रही है, राम 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 राम, हमारे धर्म में दूसरी शादी अलाउड नहीं है, ये मेरी तीसरी है, क्या अरे सुन ना उछलती क्यों है बार बार, मेरे दूध का गिलास किधर है, नहीं नहीं मैं दूध का गिलास, तू दूध ही लेके आई, नो क्या सोचा था मैंने तू दूध लेके आएगी, हम लोग मैगी बना के खाएंगे क्या करें अब, सुन मेरी बात सुन, इससे पहले कि इस कमरे में आके कोई सो जाए हम लोग हनीमून बना ले, इस कमरे में आ जाए मतलब ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, अरे क्या जॉइंट फैमिली है जॉइंट बेडरूम में कोई भी आके सोता है, इसमें क्या है, What? जो मेरे बड़े चाचा चाची ना वो इसके नीचे सोते हैं, छोटे चाचा चाची छोटे सोफे पे, और जो बड़े भैया भाभी है ना उनको कहीं भी जगह रहता है साले सोते ही नहीं है, ए तू यही रुक मैं देख के आता हूं, दरवाजा लॉक तो नहीं है, ए ए दरवाजा लॉक नहीं है मतलब दरवाजा तो लॉक ही रहना चाहिए, नहीं रे लॉक पड़ेगा तो शक रहेगा कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग,
मेरी बात सुन, एक बात बता, जिनकी शादी हो जाती है तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ तो सुनना सुनना, क्या हुआ? मेरे तो कुछ नहीं करते, ये तो मैं कुछ नहीं है। सबको पता कुआरे आदमी से ज्यादा खुल के किसको हो सकती है, ये क्या मतलब हुआ? मुझसे दूर रहो, मुझे तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता है ये शादी मैंने अपने घर वालों के कहने पे की है। अरे तो मैंने कौन सा एकता कपूर के कहने पे की है, मैंने भी तो अपने घर वालों के कहने पे की है। मेरा मतलब है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कल सुबह भाग जाऊंगी। चल साइड हट, मुझे पैकिंग करने दे। कहां भागेगी तू अपने बॉयफ्रेंड के साथ? सुबह 4 बजे चली जाऊंगी मैं। सुबह 4 बजे भागेगी तू? नहीं, मेरा मतलब थोड़ा डिले नहीं हो सकता? 5 बजे कर लेना। 5 बजे क्यों? मेरे को जगा देना, उस टाइम पानी आता है, तू भाग जाना, मैं पानी भर लूंगा। क्या पागल आदमी है, मैं इसके साथ एक सेकंड भी नहीं रह सकती, मैं भी भाग रही हूँ। ए भाग किधर रही है तू, इधर आ। तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मेरा एक काम नहीं करेगी। तू मेरे एक सवाल का जवाब दे तभी जाने दूंगा तेरे को इधर से। कौन सा सवाल? ऐसी क्या चीज है जो पति अपनी पत्नी को दे सकता है लेकिन पत्नी अपने पति को नहीं दे सकती? सरनेम है इसका जवाब। हाँ, हर बारी गाली दो, इसका मतलब ये थोड़ा कि अब सब ही होगा इसका आंसर। तू हर बारी गाली क्यों देता अपनी वीडियो में? अरे तो वो वीडियो वो लोगों को पसंद आती है, इसमें मैं क्या करूँ? तू चिंता मत कर, अगर ये वीडियो लोगों को अच्छी लगी तो ठीक है, वरना ये खुद ही तुझे रिपोर्ट मार देंगे। ओए नहीं, ऐसा मत करना फिर।